कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चैनल लेट्स नो लॉर्ड कृष्णा में। अभी तक मैं आपके सामने भगवत गीता के 1 से 14 अध्यायों के सार को प्रस्तुत कर चुकी हूँ और अब बारी है अध्याय 15 की, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग, यानी द योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन। तो ये सुप्रीम पर्सन कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान कृष्ण ही है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अध्याय 12 और 15 भगवद गीता के सबसे छोटे अध्याय हैं, जिनमें मात्र 20-20 श्लोक हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस अध्याय में क्या क्या बातें बताई हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी प्लीज़ यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ सवाल आपके सामने रखना चाहूँगी, जिनके जवाब आपको इस अध्याय में मिलेंगे। तो वो सवाल हैं, पहला, वो कौन सा वृक्ष है जो कभी सूखता नहीं और उसकी जड़ें ऊपर की ओर होती हैं तो शाखाएं नीचे की ओर जाती हैं। दूसरा, प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव को समझना क्यों मुश्किल है। तीसरा, 4 प्रकार के अन्न कौन से होते हैं। चौथा, वेदों के माध्यम से क्या जानने लायक है। पांचवा, 2 प्रकार के जीव कौन से हैं। चलिए अब जानते हैं इनके बारे में। अध्याय के आरंभ में ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संसार रूपी वृक्ष के बारे में बताया है। श्री कृष्ण ने कहा है कि यह संसार अश्वत्थ वृक्ष के समान है, अश्वत्थ वृक्ष जिसे पीपल का पेड़ कहते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर जाती हैं जबकि शाखाएं नीचे की ओर हैं। जड़ें जो कि पेड़ का मूल तत्व होती हैं, ठीक वैसे ही भगवान कृष्ण भी इस भौतिक संसार का मूल तत्व हैं और वो ऊपर की ओर हैं। तभी हर जीव को भौतिक दुनिया से ऊपर अध्यात्म के स्तर पर ऊंचा उठने की सलाह दी जाती है। श्री कृष्ण ने इस वृक्ष के बारे में आगे बताया है कि वेद इस पेड़ के पत्तों के समान है। यह पेड़ अविनाशी है जो कभी सूखता नहीं। जो इस वृक्ष को जान गया वो समझो वेदों को जान गया। इसकी शाखाएं चारों तरफ फैली हुई हैं। जीवों की विभिन्न योनियां इस पेड़ के निचले स्थान में रहती हैं, जबकि देव, गंधर्व व ऐसे ही अन्य उच्च योनियां पेड़ के ऊपरी स्थान पर रहती हैं। इस वृक्ष को प्रकृति के 3 गुणों से पोषण मिलता है। इस वृक्ष के कोपलों को इंद्रिय विषय यानी सेंस सब्जेक्ट बताया गया है, जबकि इस पेड़ की शाखाओं के सिरे इंद्रियां हैं जो इंद्रिय विषयों के भोग से अटैच रहती हैं। कृष्ण बताते हैं कि इस भौतिक संसार में कर्मों के अनुसार बांधने वाली जड़ें ऊपर नीचे सभी लोकों में फैली हुई हैं। ये जड़ें राग, द्वेष, वासना के सूचक हैं। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि भौतिक जगत में इस संसार रूपी वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को समझना बेहद कठिन है, क्योंकि कोई नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है और अंत कहाँ है। साथ ही इसकी वास्तविक स्थिति को भी कोई नहीं जान पाता है। फिर भी हर किसी को इससे बाहर निकलने के लिए कड़ा प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण बताते हैं कि सिर्फ वैराग्य के माध्यम से जीव इस वृक्ष को काट सकता है। वैराग्य को आप इस तरह समझ सकते हैं कि भौतिक संसार से व्यक्ति को अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने के बाद व्यक्ति को अपने जीवन के मुख्य लक्ष्य को खोजना चाहिए और वो लक्ष्य कोई और नहीं बल्कि खुद श्री कृष्ण ही हैं। तो देखा दोस्तों, श्री कृष्ण ने इस भौतिक संसार से जुड़ी कितनी गहरी बात को इस अध्याय में बताया है। आगे श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि व्यक्ति को समझना चाहिए कि मैं उसी आदि परमात्मा की शरण में हूँ जिनसे इस संसार रूपी वृक्ष का विस्तार हुआ है। ऐसी सोच रखने से ही वो भगवान तक पहुँच सकता है। अब कृष्ण बताते हैं कि कैसे कोई उनके परम धाम को आ सकता है। तो इसका जवाब है कि जो व्यक्ति मान और मोह से रहित हो जाता है, जो अटैचमेंट के कारण होने वाली बुराई यानी दोषों से परे जा चुका है, जो हमेशा अपने मन को परमात्मा में ही लगाए रखता है और कामनाओं के पीछे नहीं भागता, जो सुख दुख के द्वंद्वों से मुक्त हो गया है, ऐसे लोग मेरे कभी न खत्म होने वाले परम धाम को प्राप्त होते हैं। मेरा परम धाम न तो सूर्य से, न चंद्रमा से और न ही अग्नि से प्रकाशित होता है,
वहाँ जो लोग जाते हैं वो दोबारा लौटकर इस भौतिक संसार में नहीं आते। यह परम धाम आध्यात्मिक है जो खुद ही प्रकाशित होता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि प्रत्येक शरीर में वास करने वाली जीवात्मा मेरा ही अंश है। भौतिक संसार में ये जीवात्मा मन और पांचों इंद्रियों की मांग को अपना समझकर उनकी पूर्ति करने में लगी रहती है, लेकिन अपने असली स्वरूप को पहचान कर जीवात्मा शुद्ध अवस्था में आ जाती है। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जैसे वायु अपने साथ गंध को बाहर ले जाती है, ठीक उसी तरह जीवात्मा शरीर को त्यागने के बाद मन के साथ साथ इंद्रियों को ग्रहण कर उन्हें अपने साथ नए शरीर में ले जाती है। यानी अपने जीवन में एक व्यक्ति जैसे भाव रखता है, भौतिक जगत के प्रति उसकी जो कुछ भी इच्छाएं होती हैं या कहीं आसक्ति है, उसकी छाप जीवात्मा के ऊपर पड़ जाती है, जिसे वो अगले जीवन में साथ ले जाता है। यह सिलसिला चलते ही रहता है जब तक कि कोई अपने असली स्वरूप को ना जान जाए कि वो परमात्मा का ही अंश है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जीवात्मा नए शरीर में जाकर उसके नेत्र, त्वचा, कान, जीभ, नासिका और अपने मन की मदद से पांचों इंद्रियों के विषयों को भोगती है, पर आत्मा का स्वरूप तो शुद्ध ही होता है। जैसे साफ पानी में अगर कोई रंग मिला दें तो पूरा पानी भी उसी रंग का हो जाता है। यानी शुद्ध चेतना भौतिक जगत में आकर दूषित हो जाती है। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं कि एक अज्ञानी व्यक्ति नहीं समझ पाता कि एक शरीर में रहते हुए और उसे त्यागते हुए कैसे वह प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव से इंद्रिय विषयों के भोग में लगा हुआ है। आम व्यक्ति के लिए प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव को समझना बहुत मुश्किल है। अज्ञानी व्यक्ति के अलावा श्री कृष्ण उन योगी जनों की भी बात करते हैं जो हमेशा आत्म साक्षात्कार के प्रयास में लगे होते हैं। ऐसे योगी जन अपने हृदय में आत्मा तत्व को स्पष्ट देख पाते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में जो तेज है, उस तेज को तुम मुझसे ही उत्पन्न हुआ समझो। मैं ही चंद्रमा के रूप में समस्त वनस्पतियों में जीवन रस बनकर उनका पोषण करता हूँ। मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से सभी भूतों को धारण करता हूँ। भूतों का अर्थ हुआ प्राणी। वैसे श्री कृष्ण सिर्फ पृथ्वी ही नहीं बल्कि सभी लोकों में प्रवेश करके उनके जीवों को धारण किए हुए हैं। मैं सभी प्राणियों के शरीर में पाचन अग्नि के रूप में स्थित हूँ और प्राण वायु और अपान वायु के साथ संतुलन रखते हुए चारों प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। ये चार प्रकार के अन्न हैं जो निगले जाते हैं, जो चबाए जाते हैं, जो चाटे जाते हैं और जो चूसे जाते हैं। यदि शरीर में पाचन अग्नि ना हो तो पेट में गया भोजन पच नहीं पाता और इससे व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। ऐसे ही प्राण वायु ना मिले तो कोई भी जीवित नहीं रह पाएगा। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि मैं ही सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से आसीन हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है। सारे वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। जब कोई व्यक्ति एक शरीर को छोड़कर नए शरीर को प्राप्त करता है, तब श्री कृष्ण ही उसे नए जीवन के लिए पर्याप्त बुद्धि, ज्ञान व स्मृति देते हैं। जबकि पिछले जीवन से जुड़ी यादों को भुला देने वाला स्वभाव भी श्री कृष्ण देते हैं। ये जीव पर उनकी खास कृपा है। जो वेद शास्त्रों को पढ़ने की रुचि रखता है तो उन्हें समझने की बुद्धि भी भगवान कृष्ण ही देते हैं। अब तक 4 सवालों के जवाब मिल चुके हैं और अब बारी आती है 5वें सवाल की। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को अध्याय में आगे बताते हैं कि इस संसार में 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक शर यानी नाशवान और दूसरा अशर यानी अविनाशी। व्यक्ति का शरीर नाशवान है जबकि उसके अंदर वास करने वाली आत्मा अविनाशी है, लेकिन इन दोनों के सिवाय भी एक उत्तम परम पुरुष परमात्मा है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं शर से बहुत दूर हूँ और मैं अशर से भी उत्तम हूँ, इसलिए विश्व में और वेदों में मुझे पुरुषोत्तम बताया गया है। जो भी व्यक्ति अपने सभी संदेह को छोड़कर मुझे पुरुषोत्तम भगवान के रूप में पूजता है, वही वास्तव में सब कुछ जानने वाला है।
अत्यंत गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा ही कहे गए हैं। जो कोई भी इसे जानता व समझता है वो वास्तविक ज्ञानी है। साथ ही शास्त्र विधि से किए गए व्यक्ति के हर कर्म पूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, ये था अध्याय 15 का सार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल लेट्स नो लॉर्ड कृष्णा को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।